नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, मैं हूं श्वेता सिंह। जपो निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। 123 साल पहले जुलाई 1891 में ये बात लिखी थी उस वक्त के साहित्यकार पत्रकार प्रताप नारायण मिश्र ने। बाद में ये तीन चीजें आरएसएस के एजेंडे में आई। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो कुछ खुले तो कुछ दबे सुरों में ये नारा उभर रहा है। लेकिन सबसे पहले बात हिंदी की, उन युवाओं के दर्द की जिन्हें इस सरकार से बहुत आस है। यह आस राजधानी दिल्ली में बुरी तरह कुचली गई। भारत का भविष्य सड़कों पर है। पथरीली सड़क पर पटका जा रहा है, खसीटा जा रहा है। इन्हीं नौजवानों में आने वाले कल का आईएएस छिपा है, आईपीएस छिपा है। फिलहाल तो ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई पूरी तरह कुचली जा रही है। ये लड़ाई हिंदी की है, हिंदी अस्मिता की है। उस सरकार के राज में इस हक की लड़ाई इस कदर कुचली जा रही है जिसकी बुनियाद कभी हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान की रही है। हिंदी भाषी प्रदेश के नौजवानों की हक की आवाज दिल्ली सल्तनत के कानों तक पहुंची। इसके लिए बाकायदा छात्रों ने दिल्ली के मुखर्जी नगर से संसद के लिए कूच कर दिया। महीने भर से शालीनता की सारी मर्यादा में रहते हुए ये युवा आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हदें दोनों तरफ से टूटी। आंदोलन का दमन होने लगा तो नौजवान भी उग्र हो गए। संसद से पहले विजय चौक पर पुलिस और नौजवानों में घमासान हो गया। आप देख सकते हैं कि काफी हंगामा भर गया है और यहाँ पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों को किस तरह से उठा रही है। आप ये देखिए किस तरह से पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों को उठा रही है। लगातार कोशिशें यहाँ की जा रही है। पुलिस ने जमकर बल प्रयोग किया, निहत्थे छात्रों की जमकर पिटाई हुई। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन बंद करने की भी अपील कर डाली। जो आदमी कोई लड़का जमीन पर लेट रहा है तो उसको दो आदमी मिलकर लिफ्ट करेंगे तो उसको फोर्स इस्तेमाल करना कहते हैं। यस, वो तो हाँ, हमने उतना फोर्स इस्तेमाल किया। हक की आवाज उठा रहे युवाओं पर पुलिस की लाठियां भले ही टूटी लेकिन उनकी आवाज सत्ता के गलियारों में पहुंच ही गई। नहीं, मैं आपके माध्यम से इन छात्रों से, युवाओं से, बच्चों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो अनावश्यक अपने आप को किसी शारीरिक अथवा मानसिक क्लेश में ना डालें। सरकार को उनकी चिंता है, बल्कि जितनी चिंता उनसे उनको अपनी उससे कहीं अधिक है। सरकार में नंबर दो और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह संसद से बाहर आए तो सवालों में घिर गए, लेकिन वो भी एक लाइन बोलकर आगे बढ़ लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी डीओपीटी के जो मिनिस्टर हैं, ये संबंध में बातचीत कर रहे हैं। हिंदी भाषी इलाके के ये नौजवान यूपीएससी की इस परीक्षा प्रणाली से खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इन्हें बहुत आस थी नरेंद्र मोदी सरकार से, क्योंकि ये सरकार हिंदी की पक्षधर मानी जाती है। इस देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर में हिंदी बोलने का दम भरते हैं। सरकार के सारे आला मंत्री हिंदी भाषी राज्यों से हैं। अब इस हाल में भी हिंदी माध्यम के छात्रों का दमन होता तो ये फिर गुहार कहां लगाएंगे, कहां उठाएंगे अपने हक की आवाज। अमिताभ सिन्हा के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। दरअसल ये हिंदी बेल्ट के छात्रों के लिए अस्मिता की लड़ाई है। सिविल सर्विसेज में एक ऐसा पेपर रख दिया गया जो हिंदी वालों को नुकसान पहुंचा रहा है और अंग्रेजी वालों को फायदा। छात्रों ने दर दर जाकर गुहार लगाई, मोदी सरकार से भरोसा मिला, लेकिन जब बिना उनके साथ हुए इंसाफ परीक्षा के प्रवेश पत्र बंटने लगे तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। हंगामा हुआ, संघर्ष हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी। गुरुवार की रात देश की राजधानी दिल्ली अचानक सुलग उठी। गुस्से में जलते युवाओं की राह में जो कुछ पड़ा वो इस आग में जलकर खाक हो गया। रात में
में ही यूपीएससी ने सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड किया था। हिंदी माध्यम के छात्र इस पर उबल पड़े। गुस्सा इस बात का था कि उनकी बात नहीं सुनी गई और अचानक ही यूपीएससी ने एडमिट कार्ड कैसे जारी कर दिया। सुबह होते ही छात्रों का गुस्सा उबल पड़ा। सैकड़ों हिंदी भाषी छात्र सड़कों पर उतर आए। उनका यह गुस्सा बिना वजह नहीं था। सारा गुस्सा सी सेट पैटर्न को लेकर था, जिस पर सरकार ने उनके साथ इंसाफ का वादा किया था। सिविल सर्विसेज परीक्षा में सी सेट पैटर्न 2011 में लागू हुआ था। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह नया पेपर है। ये पूरा पेपर अंग्रेजी में होता है। सी सेट में हिंदी माध्यम के छात्रों का काफी नुकसान हुआ। इंजीनियरिंग और विज्ञान के छात्र उनसे आगे निकल गए। 2005 से 2010 के बीच जहां हिंदी माध्यम से निकलने वाले छात्रों की तादाद 40 से 45 फीसदी थी, सी सेट के बाद वो घटकर 15 फीसदी तक पहुंच गई। अपने हक की आवाज उठाने के लिए हिंदी भाषी छात्रों ने शांतिपूर्वक आंदोलन शुरू कर दिया। 18 जुलाई को कैंडल मार्च निकाला गया। बीस जुलाई को यूपीएससी दफ्तर पर अपनी गुहार लगाई। 21 जुलाई को छात्रों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने हर दर पर गुहार लगाई। आंदोलन के जरिए अपनी बात पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आंदोलनकारी छात्रों से बाकायदा मुलाकात की। छात्र हैं, नौजवान हैं, देश का भविष्य है और सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़े वोट बैंक है। वक्त का तकाजा था कि सियासत के सूरमा इन छात्रों के पक्ष में आ जाएं। ये मामला आज से पहले भी संसद के दोनों सदन में उठ चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया था कि हम इस मामले को, इनके जो स्टूडेंट्स की जो समस्या है, इसका जल्दी हम समाधान कर देंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक उन्होंने इसका समाधान नहीं किया और जो जो उनकी डिमांड थी उनके खिलाफ जाकर वो डिसीजन ले रहे हैं, तो इससे हमारी पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। मेरी सहानुभूति पूरे उन छात्रों के प्रति है जो हिंदी मीडियम से पढ़कर आते हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अवसर की कमी की वजह से वे हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। इसलिए केंद्र सरकार को और यूपीएससी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमने आश्वस्त किया था कि छात्रों की मांगों पर पूरी तरह से ध्यान देंगे, कमेटी की रिपोर्ट भी आएगी और सरकार जल्द उस पर निर्णय भी करेगी। ये छात्रों के हित और हक का मामला है। हिंदी माध्यम के छात्रों की उम्मीद हिंदी और हिंदुस्तान का नारा देने वाली इस केंद्र सरकार पर टिकी है। इन नौजवानों को इंसाफ की दरकार है। ये नहीं चाहते कि इनके हक की लड़ाई सियासत के तराजू पर तौली जाए। रजत सिंह, राजेश खत्री, पुनीत शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। वो मुद्दा जिसे कट्टर हिंदुत्ववादी अरसे से उठाना चाहते हैं, बीजेपी के एजेंडे से ये मुद्दा हटा हुआ है। लेकिन गोवा के एक मंत्री ने जब मोदी से हिंदू राष्ट्र की आस लगाई तो मुद्दा गर्मा उठा। विपक्ष गर्म है, आरोप लगा रहा है कि कहीं ये विधानसभा चुनावों से पहले वोटों के ध्रुवीकरण की कोई चाल तो नहीं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बने 2 महीने भी पूरे नहीं हुए कि आरएसएस की नींव में दफन पुरानी हसरतें बाहर आने लगी। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान से बात चलकर हिंदू राष्ट्र तक पहुंच गई। देखिए गोवा की बीजेपी सरकार के मंत्री जी क्या फरमा रहे हैं। आम्ही सगळ्यांनी बरो सपोर्ट दिलो झाल्यार जे फाटल्या काळात भारत एक हिंदू राष्ट्र असे समजता आणि जर तर आम्ही सगळ्यांनी बरे सहकार्य दिले, त्यांच्या फाटल्यान व्यवस्थित रावले, झाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या काळात खरे भारत हे हिंदू राष्ट्र स्थापन जातले असे आशावाद करता। सुना आपने, मंत्री जी की आंखों में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना जागा है। बात निकली तो फिर दूर तलक जाएगी। कट्टर हिंदुवादी जहां हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आए, वहीं बीजेपी विरोधियों की राय में ये तो बीजेपी का छिपा एजेंडा है। ये भारत राष्ट्र है, आप इसको भारतीय राष्ट्र कहें चाहे हिंदू राष्ट्र कहें, हिंदू और भारतीय अलग अलग नहीं है। 125 करोड़ के इस धर्म निरपेक्ष देश को एक धर्म विशेष के राष्ट्र का तमगा देने की ये कोशिशें भले ही पॉलिटिकल स्टंट हो। यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री से लेकर उनके तमाम कैबिनेट मंत्री अंग्रेजी में बोलने वाले थे,
इसके उलट मोदी सरकार के ज्यादातर मंत्री हिंदी भाषी हैं, लोगों ने शपथ ली हिंदी में। ये भी बात आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में भी सिर्फ हिंदी ही बोलेंगे, ऐसे में भला क्यों न जगे आस कि हिंदी के अच्छे दिन आएंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 10 साल बाद कोई प्रधानमंत्री हिंदी में शपथ ले रहा था। हिंदी भाषी गदगद हो रहे थे कि अब हिंदी ही नहीं, हिंदी वालों के भी अच्छे दिन आएंगे। नरेंद्र मोदी ने खुद तय किया कि वो जिस देश में जाएंगे वहाँ हिंदी में ही बोलेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तो ये कहकर हिंदी का मान बढ़ा ही दिया कि अब सरकारी कामकाज हिंदी में होगा। कम खुश हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले भी नहीं थे, क्योंकि मोदी ने तो साल भर पहले ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया था। आई एम नेशनलिस्ट, आई एम पैट्रियोटिक, नथिंग इज रॉन्ग। आई एम बॉर्न हिंदू, नथिंग इज रॉन्ग। सो आई एम हिंदू नेशनलिस्ट, सो यू कैन से यस आई एम हिंदू नेशनलिस्ट बिकॉज आई एम बॉर्न हिंदू। लेकिन हिंदी वालों की आस पर सरकार ने पानी फेर दिया। छात्रों की इस लड़ाई का अंजाम जाने क्या होगा। फिलहाल तो हिंदी वालों के अच्छे दिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज तक ब्यूरो।